नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 4 जून के लिए सातवें इम्तिहान की घड़ी आ गई है। 8 राज्यों के लिए 57 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इस पूरे चुनाव में कई चीजें सुर्खियों में रही हैं। राजनीति के शब्दकोश से एक शब्द निकला, खटाखट, जिसे मोदी, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी सबने प्रचार में जमकर इस्तेमाल किया। खटाखट, फटाफट और सफाचट, इन जैसे शब्दों को वार पलटवार के लिए इस्तेमाल भी किया गया। तो मतदान खत्म होने के बाद किसके पक्ष में एग्जिट पोल आएंगे, फटाफट, और 4 जून को किसकी बनेगी सरकार, खटाखट। तो वो कहते टकाटक टकाटक ठकाटक ठकाटक, हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 खटाखट। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। हर महीने 8,500 रुपए ठगाटक 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 ठगाटक, खटाखट 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 खटाखट, फटाफट फटाफट फटाफट। सरकारी नौकरी मिलेगी खटाखट, शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 1,00,000 रुपए मिलेंगे खटाखट, गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए आएंगे खटाखट 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 खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दें, खटाखट खटाखट खटाखट। आप लोगों से इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में 1,00,000 रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। माले को वोट पड़ेगा ठकाठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठकाठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। विपक्षी गारंटियों में खटाखट की गूंज ऐसी हुई कि सत्ताधारी पार्टी का साज भी खटाखट हो गया। पीएम मोदी के जबान से भी राहुल राग गूंजने लगा। गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। साजादों को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। साजादों को पूछो विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने 10,00,000 सरकारी नौकरियों का वादा किया, तब नीतीश कुमार ने पूछा था कि खजाने में इतने पैसे कहां से आएंगे। कुछ वैसे ही जब राहुल गांधी ने नौकरी और पैसे का वादा किया, तो पीएम ने भी राहुल को नौसिखिया बता दिया। अंदाज वही खटाखट। हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा टकाटक 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 टकाटक। देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है विकास कैसे होगा, बोले खटाखट खटाखट। 4 जून को कैसे नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनेगी, कौन लोग हार जाएंगे, ये ना तो विपक्ष को पता है और ना ही सत्ता पक्ष को। लेकिन जब वादों की झड़ी लगी, जनता तक इसकी गूंज पहुंची, सिंहासन डोलने लगा, विपक्ष की भाषा बोलने लगा, पार्टियां एक दूसरे को ललकारने लगी खटाखट। भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी।
फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक टनाटन माहौल माहौल टनाटन नौकरी मिले फटाफट। दीदी के खाते में 1,00,000 रुपया जाए खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट। के साहजादे अब आराम से जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के साहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और एक यूपी के साहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के साहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई, ये वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है। और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के साहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले साहजादे की संगत का असर है। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी पहले भी बनी थी लेकिन कामयाबी तनिक न मिली थी। हालांकि अब जमीन पर हालात बदल चुके हैं। जनता सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रही। दो लड़कों की जोड़ी पर जनता का भरोसा बढ़ने लगा। पीएम की पेशानी पर बल आने लगा। हर चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए खटाखट। ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश भी बाजी पलटने से चूक गए, लेकिन राहुल के साथ उनकी केमिस्ट्री से यूपी की डबल इंजन सरकार सकते में। लाल किले पर पीएम के हैट्रिक के लिए 80 सीट जीतने का बीजेपी का दावा कमजोर पड़ रहा। यूपी में राहुल अखिलेश का शोर बढ़ने लगा। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट। और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट। बताओ इन्हें हटा दोगे कि नहीं हटा दोगे? पीएम मोदी को पूरा यकीन है कि यूपी के दो लड़कों की जोड़ी फिर टूट जाएगी। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन अखिलेश की माने तो 4 जून को बीजेपी वाले रफो चक्कर हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग देश का पैसा लेकर भाग निकले थे फटाफट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए रायबरेली से भी जाएंगे।
राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में यह रायबरेली शामिल होने जा रहा है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए फटाफट फटाफट फटाफट। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति भी इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद सवालों के घेरे में। जनता के गुस्से पर सवार विपक्षी सियासत पूछ रही है कि कहां तो तय था कि न खुद खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन सब कुछ खुद ही निगल गए गटाकट गटाकट गटाकट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, याद है कि नहीं याद है? जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए और कह रहे गटागट गटागट गटागट। बताओ खाने के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद तो इन्होंने डकार भी नहीं ली। जब से इंडिया गठबंधन ने बीजेपी और आरएसएस को संविधान और आरक्षण का विरोधी बताया है, यूपी में दलितों पिछड़ों के पुराने समीकरण उलट पुलट होने लगे।